हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के तीन महान स्ट्रेटेजिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो है सन जू, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड चेंगिस खान। असल में दोस्तों, इस टॉपिक का हम एक सीरीज आप सबके लिए लेके आएंगे, जहाँ पे हम हर वीडियो में हिस्ट्री के तीन महान स्ट्रेटेजिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, यह है ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट इन हिस्ट्री का एपिसोड नंबर 1। वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए अंत तक बने रहिए। नंबर 1, संजू। संजू एक चाइनीज जनरल होने के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिस्ट, राइटर और फिलोसोफर भी थे। संजू एंशिएंट चाइना के ईस्टर्न जाओ पीरियड से बिलोंग करते थे। संजू द आर्ट ऑफ वॉर के लेखक भी हैं। इस बुक का मेन टॉपिक है मिलिट्री स्ट्रेटजीज। संजू के इन्फ्लुएंशियल वर्क तब के समय ईस्टर्न और वेस्टर्न एशिया के फिलोसॉफी और मिलिट्री थिंकिंग को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। वो युद्ध के ऑल्टरनेटिव्स पर ज़्यादा फोकस करते थे और कहते थे कि टू फाइट कॉन्कर इन ऑल आवर बैटल्स इज नॉट सुप्रीम एक्सीलेंस। सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट इन ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। मतलब आपकी एक्सीलेंस इस बात से पता नहीं चलती कि आप कोई बैटल को लड़े और उसे जीते। आपकी एक्सीलेंस इस चीज़ से पता चलती है कि आप बिना लड़े उस बैटल को जीत जाए। संजू कॉन्वेंशनल वॉर से ज़्यादा अनकॉन्वेंशनल वॉर लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उनकी लेगेसी आज तक चाइना में बरकरार है, इसलिए चाइना अनकॉन्वेंशनल वॉरफेयर में सबसे ज़्यादा आगे है। संजू के हिसाब से वॉर एक सीक्रेट है, एक धोखा है। मतलब अगर आप किसी के साथ लड़ने जा रहे हो और अगर आप उसे आसानी से हरा सकते हो, तो उसे ऐसा दिखाओ कि आप उसके साथ लड़ने के लिए कैपेबल नहीं हो। जब आप दुश्मन के पास हो, तब दिखाओ कि आप दुश्मन से दूर हो, और जब आप दुश्मन से दूर मौजूद हो, तो ऐसा दिखाओ कि आप दुश्मन के पास हो। मतलब दुश्मन को मिस इन्फॉर्मेशन दो, इससे सामने वाली पार्टी मिसगाइड हो सकती है। संजू की ये थिंकिंग बहुत हद तक चाणक्य से मेल खाती है, इसीलिए संजू को चाइना का चाणक्य भी कहा जाता है। नंबर 2, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैसिडोन के अलेक्जेंडर 3, नॉर्मली नोन एज अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब बात हो रही हो दुनिया के दिग्गज स्ट्रेटजिस्ट के बारे में, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अलेक्जेंडर द ग्रेट प्राचीन ग्रीस के एक महान राजा थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट मात्र 30 साल की उम्र में एक विशाल बड़े साम्राज्य के राजा थे, और ये साम्राज्य कोई उनको विरासत में नहीं मिला था। उन्होंने खुद के दम पे ये साम्राज्य बनाया था। उनका ये साम्राज्य मैसिडोनिया से लेके इजिप्ट तक, ग्रीस से लेके भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। युद्ध में उनको हराना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, इसलिए उनका नाम हिस्ट्री के द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स में शामिल है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की युद्ध नीति आज भी बहुत से मिलिट्री एकेडमीज में सिखाया जाता है। नंबर 3, चेंगिस खान। चेंगिस खान का जन्मकाल है 1162 से लेके 1227 तक का। मंगोलिया में जन्मे चेंगिस खान मंगोल कबीले से बिलोंग करते थे, और चेंगिस खान का असली नाम था दी तेमुजिन। चेंगिस खान के पिता का नाम था येसुखेल। येसुखेल मंगोल कबीले के मुखिया होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे। येसुखेल की मौत के बाद चेंगिस खान ही मंगोल कबीले के मुखिया बने थे, क्योंकि चेंगिस खान येसुखेल के सबसे बड़े बेटे थे। हालांकि येसुखेल के मौत के एकदम बाद ही चेंगिस खान को वो गद्दी नहीं मिली थी। येसुखेल के मौत के बाद चेंगिस खान के चाचा हतुला खान छल से मंगोल कबीले के मुखिया बनते हैं, और गद्दी पाने के बाद हतुला खान चेंगिस खान और येसुखेल के बाकी परिवार वालों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेंगिस खान किसी तरीके से उनकी माँ और बाकी कुछ परिवार वालों के साथ फरार हो जाते हैं और बर्जन के एक जंगल में छुप जाते हैं। जंगल में रहते हुए ही चेंगिस खान मन ही मन ठीक कर लेते हैं कि उनसे जितना क्षेत्र छीना गया है, उससे कई गुना ज़्यादा क्षेत्र वो दखल करेंगे। इसीलिए उसने आसपास के इलाकों में लूटपाट करना शुरू कर दिया। चेंगिस खान ने आस पड़ोस के कबीलों से मिलना कुलना चालू कर दिया, जो लोग पहले से हतुला खान से परेशान थे, इसलिए उन लोगों ने भी चेंगिस खान का साथ दिया, और धीरे धीरे चेंगिस खान अपना सेना बनाते गए। 20 साल की उम्र तक उनका खुद का एक सेना तैयार हो गया, जिसको उन्होंने खुद से ट्रेनिंग दिया था। इसके बाद चेंगिस खान ने 20,000 लोगों की सेना लेके हतुला खान पे आक्रमण कर देते हैं
और वो लड़ाई जीत के मंगोल कबीले को दखल कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि जंगिस खान मन में ही ठीक कर चुके हैं कि उनको छीने गए क्षेत्र से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र दखल करना है, इसलिए जंगिस खान यहीं पे नहीं रुके। आस पास के बाकी कबीलों को दखल करते करते अब वो समग्र मंगोलिया में अपना साम्राज्य फैला चुके थे और इसी तरह से जंगिस खान बन जाते हैं मंगोलिया सम्राट। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके थे, उन्होंने चीन से लेके उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, अफ्रीका, जापान, नॉर्थ साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक अपना साम्राज्य फैलाए थे। जंगिस खान धरती के 22% क्षेत्रों को जीत चुके थे। जंगिस खान के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था, उनसे उलझना मतलब मौत को दावा देना, और वो किसी पे भी दया नहीं करते थे। इसलिए जंगिस खान को इतिहास का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक माना जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें नए नए इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।